हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू यस्तु पे एडिटिंग। सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऐसी फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हैं अपने लाइट रूम में। एंड गाइस, इसमें मैंने कुछ स्पेशल गोल्डन टोन्स डाले हैं, तो गाइस मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऐसी टोन्स आप कैसे डाल सकते हैं अपनी फोटोज में। एंड गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए, एक नई ट्रिक पता चलने वाली है कि गोल्डन टोन्स कैसे डाल रहे हैं अपनी फोटो में। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह एडिटिंग रिलेटेड आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। एंड बस बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। एंड बस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, जो कि एक DSLR से क्लिक की गई। सो गाइस, मैं इसी फोटो को एडिट करने वाला, तो गाइस सबसे पहले इसे इम्पोर्ट करेंगे अपने लाइट रूम में। एंड गाइस, लाइट रूम में इम्पोर्ट होने के बाद अपना हम लाइट रूम ओपन करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मेरा लाइट रूम ओपन हो चुका है। देन गाइस, अपनी फ़ोटो को हम ओपन करेंगे यहाँ पे, जिसको एडिट करना है। सो गाइस, मेरी फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो चुकी है गाइस। सो गाइस, मैं अभी फ़ोन को आपको टर्न कर दिखाता हूँ, ताकि पूरा रेशियो मिल सके यूट्यूब का। सो गाइस, मैंने फ़ोन को यहाँ पर टर्न कर लिया। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। नहीं गाइस, हमें सिलेक्टिव टू पर क्लिक करके एक सर्कल का ग्रेडियंट बना लेना है अपने फेस पे। एंड गाइस, इससे क्या होगा कि आपके फेस में ब्राइटनेस आ जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे हमें ब्राइटनेस वाले टूल पर इसका एक्सपोजर बढ़ा देना, ताकि चेहरे पर ब्राइटनेस आ जाए। देन गाइस, यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा और बढ़ा लेना। देन गाइस, इसका टेक्सचर हमें थोड़ा सा माइनस में कर देना, ताकि इसका मतलब फेस स्मूथ हो जाए। आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो काफ़ी अच्छी स्मूथ हो गई और फेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देन गाइस, यहाँ पे हम ब्राइटनेस वाले टूल पर जाके इसकी थोड़ी सी फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। सो गाइस, हम कॉन्ट्रास्ट को कुछ नहीं करेंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे एंड शेडोज को बढ़ाएंगे। मैंने हाइलाइट्स ज़्यादा ही बढ़ा दी, कम कर दी, मतलब थोड़ा सा इसको और कम करेंगे। देन गाइस, हमें वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने हिसाब से, आप देख लीजिएगा। देन गाइस, ब्लैक्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड गाइस, कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा टैप करके 6 पॉइंट तक बढ़ा दूंगा। देन गाइस, मैं कलर टूल में जाके इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा भी, ताकि मेरी फोटो में कलर ब्राइट दिखें। देन गाइस, मिक्स टूल पर जाके हमें रेड कलर की ल्यूमिनेंस बढ़ा देनी है। एंड गाइस, ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस भी बढ़ा देनी है, ताकि हमारा फेस वाइट हो जाए। एंड गाइस, यहाँ पे हमें इस कलर का कुछ नहीं करना है अभी, मैं बताता हूँ आपको। ग्रीन कलर का आपको ह्यू कम करना है। जैसे कि मैं इसका ह्यू कम कर रहा हूँ, तो वो वही टोन आ रही है सेम। इसका मैंने ह्यू एकदम माइनस में कर दिया, तो वही मेरी फ़ोटो की तरह एकदम टोन आ रही है। तो फिर मैंने यही किया था अपनी फ़ोटो में। देन गाइस, यहाँ पे मैंने ह्यू को माइनस करके थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा दिया। देन गाइस, इसका आप अगर ह्यू माइनस करेंगे तो कुछ अलग सी भद्दी सी टोन आ जाएगी, तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ इसके सैचुरेशन बढ़ाऊँगा एंड ल्यूमिनेस बढ़ाऊँगा इसके। तो आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ पे हमें अब क्या करना है, ब्लू वाले कलर का थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देनी है एंड इसका ह्यू थोड़ा कम कर देना है। देन गाइस, इसकी भी सैचुरेशन बढ़ा के हमें ल्यूमिनेंस कम करनी है। देन इसका ह्यू हमें थोड़ा माइनस में करना है, तो इसका ही काफ़ी अच्छा आ जाएगा। देन गाइस, इसकी हमें ल्यूमिनेंस बढ़ा देनी है पर्पल एंड पिंक की। तो गाइस, इसको डन करते हैं। देन गाइस, हम जाएंगे एफएक्स वाले टूल पर। देन हमें इसका थोड़ा सा स्प्लिट टोन पर काम करना है। देन गाइस, आप इसका हाइलाइट्स का कुछ भी टोन रख सकते हैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से। मैंने हाइलाइट्स स्प्लिट टोन का यूज़ करना एक वीडियो में बताया, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने 180 ह्यू रखा है। एंड गाइस, इसका बैलेंस मैंने 10 रखा है। एंड गाइस, टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 8 तक। एंड गाइस, यहाँ पे मेरी फ़ोटो काफ़ी अच्छी रेडी हो चुकी है। देन गाइस, यहाँ पे विनेट का हम कम कर लेंगे, क्योंकि गाइस ये विनेट में मेरी फ़ोटो में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट फोकस में हो जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे हम शार्पनिंग वाले टूल पर जाके इसकी थोड़ी शार्पनिंग बढ़ा लेंगे एंड इसका रेडियस हमें कम करना होगा, ताकि हमारे फेस पे ग्लिच ना रहे। रेडियस मैंने कम कर दिया। एंड गाइस, आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो काफ़ी शार्प हो गई, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। देन गाइस, आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो काफ़ी शार्प है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, ये मतलब काफ़ी शार्प है, इसके पिक्सल अब फटेंगे नहीं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फुल एडिटेड फ़ोटो। तो गाइस, मैंने इसी तरह अपनी फ़ोटो को एडिट किया था। एंड गाइस, अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इस वीडियो से आपने ये वाले एडिटिंग सीख ली होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहे। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।